अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स दोस्तों, आज किस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सैमसंग के एक न्यू स्मार्टफोन की, जिसका नाम है जी सैमसंग गैलेक्सी A90। दोस्तों ये जो मोबाइल फ़ोन है ये बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर सैमसंग जो है वो बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी लाने जा रहा है। बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, लेकिन सैमसंग के मोबाइल फ़ोन के अंदर ये आपको पहली बार नज़र आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जी इस वीडियो के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A90 की मुकम्मल स्पेसिफिकेशन, प्राइस और रिलीज डेट के बारे में। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं टेक उर्दू। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A90 की फुल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो स्पेसिफिकेशन के अंदर बिल्कुल सादा सी स्पेसिफिकेशन है, और जिसके अंदर आप लोगों को 6.41 इंच के साथ डिस्प्ले मिलने जा रहा है। 1080p के अंदर आप लोगों को इसकी जो रेजोल्यूशन है वो मिलने जा रही है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के अंदर ये बेसिकली ये मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले आप लोगों को अवेलेबल होता है। उसके अलावा 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आप लोगों को नज़र आ रही है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92% की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बगैर होल के और बगैर आप लोगों को नोच के ये डिस्प्ले अवेलेबल होने जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को 92% तक स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अवेलेबल हो रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता चलूँ कि अगर होल नहीं है, उसके अलावा नोच नहीं है, तो फिर फ्रंट कैमरा कहाँ पे होगा? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोगों को जो कैमरा है वो वीवो नेक्स की तरह से पॉपअप कैमरा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी जब आप लोग सेल्फी वगैरह लेने की कोशिश करेंगे, यानी कैमरा ऐप ओपन करेंगे, तो उस वक्त ये कैमरा जो है वो ऊपर की तरफ से खुल के सामने आ जाएगा, बिल्कुल वीवो नेक्स की तरह। तो इस वजह से यहाँ पे ये एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है वो सैमसंग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंप्लीमेंट करने जा रहा है। दोस्तों बेसिकली ये एक रूमर है, उसके अलावा कंपनी की तरफ से अभी तक कोई भी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो इस मोबाइल फ़ोन के हवाले से नहीं की गई, लेकिन आज ट्विटर पे एक यूज़र ने इस मोबाइल फ़ोन की कुछ पिक्चर लीक की, और उसके अलावा बताया गया है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोगों को जो खास टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है वो है इसका पॉपअप कैमरा। यानी फ्रंट पे आप लोगों को कैमरा नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से ये एक बहुत ही कमाल की अपग्रेडेशन होने जा रही है सैमसंग के अंदर। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं जी इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की। तो डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को सुपर एमोल डिस्प्ले मिलने जा रहा है, 92% रेशियो आप लोगों को मिलने जा रही है। उसके अलावा 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ ये डिस्प्ले आप लोगों को अवेलेबल होगा। तो इस वजह से काफ़ी बड़ा डिस्प्ले, उसके अलावा ब्राइट डिस्प्ले आप लोगों को अवेलेबल होने जा रहा है। उसके अलावा रूमर ये भी है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोगों को OLED डिस्प्ले भी मिलने जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर देखते हैं जब ये मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो इस वक्त इसके अंदर कौन कौन सी आप लोगों को अपग्रेडेशन देखने को मिलती हैं, या फिर कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही होंगी। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की रैम और स्टोरेज के बारे में। तो रैम आप लोगों को मिलने जा रही है 6GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये मोबाइल फोन अवेलेबल होगा। उसके साथ साथ आप लोगों को microSD कार्ड की सहूलत भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर आप लोगों को 512GB microSD कार्ड यहाँ पे स्लॉट प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा ये मोबाइल फोन ड्यूल सिम सपोर्टेड होगा, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आप लोगों को 3 स्लॉट फ्राहम की जा रही हैं। तो इस वजह से आप लोग 2 सिम और 1 microSD कार्ड एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों ये तो बात थी इस मोबाइल फोन की रैम और स्टोरी की, तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर के अंदर ये मोबाइल फोन आप लोगों को स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ मिलेगा, और स्नैपड्रैगन का वर्जन होगा 710। यानी ये जो प्रोसेसर है ये 2.2 GHz की स्पीड पे अवेलेबल होगा, और उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ऑक्टा कोर प्रोसेसर की सूरत में यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन आप लोगों को अवेलेबल होने जा रहा है। तो इस वजह से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होने जा रही है। और अगर बात कर ली जाए GPU की, यहाँ पे आपको एड्रीनो 616 मिलने जा रहा है। तो इस वजह से परफॉर्मेंस जो है GPU और CPU की ये बेस्ट होने जा रही है, और साथ ही साथ आप लोगों को जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो इस मोबाइल फ़ोन की 6GB रैम है। इस वजह से गेमिंग के अंदर ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करने वाला है। उसके अलावा मल्टीटास्किंग के अंदर इस मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस होगी वो बेस्ट होने जा रही है। उसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं जी इस मोबाइल फोन के कैमरा की जानिब। तो कैमरा के अंदर आप लोगों को जो फ्रंट कैमरा है वो मिलने जा रहा है 24 MP के अंदर, जो कि 1.8F अपर्चर के साथ आप लोगों को अवेलेबल होगा। और उसके अलावा ये लो लाइट सेल्फीज के लिए बहुत ही कमाल का कैमरा होने जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे आप लोगों को अपर्चर साइज है वो काफ़ी बड़ा दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को डिजिटल जूम, उसके अलावा ऑटो फोकस, टच फोकस, ये सभी की सभी सहूलियाँ जो है वो फ्रंट कैमरा के अंदर भी अवेलेबल होने जा रही हैं। उसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं जी इस मोबाइल फोन के रियर कैमरा की जानिब। तो रियर साइड पर आप लोगों को
यहाँ पे या तो दो कैमरा अवेलेबल होंगे यानी डबल कैमरा अवेलेबल होगा, या फिर आप लोगों को ट्रिपल कैमरा के साथ ये मोबाइल फोन अवेलेबल होने जा रहा है। इसके बारे में अभी तक कुछ रूमर जो है वो कंफर्म नहीं है। बेसिकली इस मोबाइल फोन के बारे में ट्विटर पर एक सारिफ ने कुछ पोस्ट अनाउंस की है। बेसिकली ये जो सारिफ है ये सैमसंग के हवाले से बहुत ही ऑथेंटिक जो न्यूज़ होती हैं वो लेके आता है, तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि ये जो रूमर्स और जो लीक्स हैं ये बिल्कुल सच साबित हों। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा के अंदर आप लोगों को 12 प्लस 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा अवेलेबल होने जा रहा है, और इसके अंदर भी आप लोगों को 1.8 एफ अपर्चर के साथ ही ये कैमरा अवेलेबल होगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा डिजिटल जूम है, ऑटो फोकस है, टच फोकस है, पैनोरामा और HDR जैसे जो फंक्शन वगैरह हैं वो आप लोगों को इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल होने जा रहे हैं, तो इस वजह से कैमरा सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। लेकिन इस मोबाइल फोन की जो हाईलाइट है वो इसका पॉपअप कैमरा है। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की बैटरी की, तो बैटरी के बारे में यही कहा जा रहा है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को 4000 mAh की बैटरी अवेलेबल होने जा रही है। और उसके अलावा अगर बात कर ली जाए इस मोबाइल फोन के अंदर मिलने वाले सेंसर की, तो यहाँ पे आप लोगों को गायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और उसके अलावा कंपास और गायरोस्कोप भी इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को अवेलेबल होने जा रही हैं। तो इस वजह से एक मुकम्मल पैकेज की सूरत में ये मोबाइल फोन अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ पे इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को जो पॉपअप कैमरा दिया जा रहा है उसकी वजह से आप लोगों का जो स्क्रीन साइज है इस मोबाइल फोन का वो काफी बड़ा होने जा रहा है और बहुत ही प्यारा ये मोबाइल फोन आप लोगों को अवेलेबल होगा। तो दोस्तों इस वक्त तो ये सिर्फ और सिर्फ लीक्स और रूमर्स हैं, लेकिन इस मोबाइल फोन के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूं इस मोबाइल फोन की रिलीज डेट की, तो रिलीज डेट के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये जो मोबाइल फोन है ये MWC 2019 के अंदर शोकेस किया जाएगा, जो कि 24 फरवरी को होगी। और उसके बाद ये जो मोबाइल फोन है ये मार्च के अंदर ये दूसरे सार्फिन यानी आम पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इस वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये मोबाइल फोन जो है वो 1 से 1.5 माह के अंदर ये मोबाइल फोन पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हो जाए। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ली जाए प्राइस की, तो प्राइस के बारे में अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये सैमसंग अपनी एक न्यू टेक्नोलॉजी इस मोबाइल फोन के अंदर इंप्लीमेंट करने जा रहा है। इस वजह से जो लीक्स और रूमर्स हैं वो अभी तक प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल यानी टेक उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।